कोच बनकर गए पाकिस्तान, अब रोज पढ़ते हैं कुरान, इस्लाम की ओर झुके मैथ्यू हेडन। अपने दौर के बेहतरीन सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन फिलहाल पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजी कोच हैं। वर्ल्ड टी20 से ठीक पहले पीसीबी ने उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। ऑस्ट्रेलिया को दो बार वर्ल्ड कप दिला चुके हेडन के नेतृत्व में पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड टी20 में गजब का खेल भी दिखाया, मगर सेमीफाइनल में अपने ही कोच की होम टीम यानी ऑस्ट्रेलिया से मात खा बैठे। अब हेडन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। मोहम्मद रिजवान ने मैथ्यू हेडन को तोहफे में कुरान दी है। डेली टाइम्स पाकिस्तान से खास बातचीत में हेडन ने खुद बताया था कि अंग्रेजी अनुवाद वाली इस पवित्र किताब को मैं रोज पढ़ता हूँ। हेडन आगे कहते हैं कि हमने आधे घंटे तक कुरान पर बातचीत की। रिजी मेरे पसंदीदा लोगों में से एक है, वो बहुत शानदार इंसान है। बाबर आजम भी बहुत अच्छे खिलाड़ी और इंसान है। हेडन मानते हैं कि पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में मजहब और आस्था के प्रति गहरा समर्पण है। इस्लाम के प्रति रुझान का जिक्र करते हुए हेडन ने एक घटना का जिक्र किया, कहा मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन धर्म को मानता हूँ लेकिन इस्लाम को समझना चाहता हूँ। ईश्वर अल्लाह सब एक है, एक जीसस क्राइस्ट को फॉलो करता है और दूसरा मोहम्मद को। जहाँ एक ओर हेडन का इस्लाम के प्रति रुझान बढ़ रहा है तो दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की बातें भी करने लगे हैं। किसी यूजर ने तो यहाँ तक कह डाला कि मोहम्मद रिजवान मैथ्यू हेडन का धर्मांतरण करवाना चाहते हैं। एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, भाई ये ऑस्ट्रेलियन है, इंडिया का क्रिकेट कोच बना दिया जाए तो बोलेगा कि मैं रोज गीता पढ़ता हूँ। एक अन्य यूजर मैथ्यू हेडन के बयान पर रिएक्शन देते हुए लिखते हैं कि नमाज भी पढ़ने लगो आप, किसे ऐतराज है। एक अन्य यूजर ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हैं और लिखते हैं, हाँ अब इस पर भी डिबेट कर लेना तुम लोग। एक अन्य ट्विटर यूजर मैथ्यू हेडन के बयान पर कमेंट करते हैं कि सब कुछ पढ़ना चाहिए, नॉलेज ही है, चाहे कोई अच्छा कहे या बुरा, लेकिन सब कुछ पढ़ना चाहिए क्योंकि नॉलेज जरूरी है। एक अन्य ट्विटर यूजर मामले पर रिएक्शन देते हुए कहते हैं, सबकी अपनी आस्था और स्वतंत्रता है, जिसको जो पढ़ना हो पढ़े। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे।